चुनाव में किस तरीके का माहौल दिखाई दे रहा है, क्या तैयारियां कांग्रेस की है, और जिस तरीके से स्टार कैंपेन उतारे गए हैं बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से, कितना फर्क जमीनी हकीकत पर पड़ रहा है? देखिए, साइट में बहुत ही सुंदर माहौल, बहुत ही एक तरफा माहौल श्रीमती गंगा पंचोली जी के लिए बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। खास करके मातृशक्ति और युवाओं का जोश उनके साथ देखा जा सकता है। एक हुजूम उमड़ कर आ रहा है गंगा पंचोली जी के लिए, क्योंकि गंगा पंचोली वो महिला है जो हर सुख दुख में, खास करके कोरोना संकट के दौरान, सल्ट विधानसभा की जनता के साथ दृढ़ता के साथ खड़ी हुई दिखाई पड़ी। वहीं ये जो भाजपा का प्रत्याशी है वो दिल्ली से आयात किए गए हैं और वो नदारद रहे, उनका कोई योगदान सल्ट विधानसभा के विकास के लिए या वहाँ के लोगों के हितों के लिए नहीं दिखाई पड़ा। अपनी सरकार होते हुए भी उन्होंने कोई भी ऐसी कोशिश नहीं करी जिसमें सल्ट विधानसभा, जो कि एक बहुत ही दूरस्थ ग्रामीण इलाका है, वहाँ मूलभूत सुविधाओं का बहुत ही अभाव है, खास करके पानी का तो बहुत भारी संकट सल्ट में है। मैं स्वयं सल्ट से होकर आ रही हूँ और वहाँ पर जो माहौल देखने को मिला वो ये देखने को मिला कि बेरोजगारी से युवा असरग्रस्त है, निराश है और वो प्रतिबद्ध है, समर्पित होकर गंगा पंचोली जी के साथ जुड़ा हुआ है और इस बात के का संकल्प ले चुका है कि भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकना है। और आने वाले दिनों में 17 तारीख को मतदान है, आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी वहां पर भारी मतों के साथ विजयी प्राप्त। जो सड़क की मांग थी जिसके लिए उनको लाठियां खानी पड़ी, संघर्ष करना पड़ा, अब उनकी वो सड़क बनकर तैयार हो जाएगी, क्या माने विपक्ष का भी दबाव काम आया? बहुत देर कर दी हुजूर आते आते, क्योंकि जिस तरह का अमानवीय कृत्य वहां पर आपकी ही सरकार के द्वारा किया गया, वो भी मातृशक्ति के ऊपर, शायद उत्तराखंड के इतिहास में इस तरह का विभत्स दृश्य कभी देखने को नहीं मिला कि जिस मातृशक्ति की बदौलत उत्तराखंड राज्य हमको मिला, उन्होंने इतनी कुर्बानियां इस राज्य के लिए दी और हमारे राज्य में खासकर महिलाओं का बहुत सम्मान है। और कहीं ना कहीं आपने जब उनके ऊपर लाठियां बरसाई, वो आंदोलनरत थे 80-90 दिनों से, और जब उन्होंने आंदोलन किया आपके बजट सत्र के दौरान, तो उनके ऊपर वाटर कैनन छोड़ा गया, उनके ऊपर बहुत ही अमानवीय तरीके से उनके साथ बर्ताव किया गया। अब उसी एंटी इनकम्बेंसी को या उसी का जो दुष्प्रभाव है सरकार के ऊपर, उसको कम करने के लिए तीरथ सिंह रावत जी डैमेज कंट्रोल की कोशिश जरूर कर रहे हैं, पर मुझे लगता है कि इतनी आसानी से उस जिले का व्यक्ति या उस जिले की मातृशक्ति अपने छालों को भूलेंगे। लगातार पिछले 40 से ज़्यादा दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, समायोजन की मांग कर रहे हैं, सरकार ने कहा हम कमेटी बनाएंगे और समायोजन करेंगे, लेकिन अभी भी कोई समायोजन की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और निराशाजनक स्थिति आज है, एक डेडलॉक की स्थिति आ गई है, क्योंकि जो हुक्मरान हैं वो इस डेडलॉक को तोड़ने में कहीं भी कोई कोशिश या कवायद करते हुए नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। जो बातचीत के जरिए मामला सुलझाया जा सकता है, टेबल टॉक के जरिए सुलझाया जा सकता है, नाहक ही उपनल कर्मियों को परेशान किया जा रहा है। 22,000 उपनल कर्मी हैं जो सालों साल से अपनी सेवाएँ इस प्रदेश के लिए दे रहे हैं, खास करके स्वास्थ्य महकमे में आप देखिए कि कोरोना संकट में जब कोई आगे नहीं आ रहा था, ऐसे में लगातार इन उपनल कर्मियों ने अपनी सेवाएं लोगों को दी हैं प्रदेश के, और उसके बाद आज ये दिन इनको देखना पड़ रहा है, वो भी कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद। कोर्ट ने कहा था कि चरणबद्ध तरीके से इनका नियमितीकरण किया जाए, इनका समायोजन किया जाए, इसका मतलब ये सरकार अपने आप को न्यायालय से भी बड़ा समझती है और न्यायालय के सारे जो आदेश हैं उसको अपने ठेंगे पर समझती है। निश्चित तौर पर आज उपनल कर्मियों के साथ जो बर्ताव सरकार के द्वारा संवेदनहीनता का किया जा रहा है वो अपने आप में दुखद है।